हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये है क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर एजुकार्ट का। आपको पता है एजुकार्ट क्या है? ट्रेंडिंग नंबर वन पे, मतलब एजुकार्ट सबसे अच्छी ओसॉल से भी। तो मैं आज आप लोग को इसमें जो टॉपर के टिप्स हैं वो बताने वाला हूँ कि टॉपर कॉपी में कैसे लिखते हैं, और जो आपका न्यू पैटर्न है उसे आप कैसे समझ सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करें, सेलेक्ट योर एम सी क्यू ऑप्शन वाइजली। मतलब हमें एम सी क्यू ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आंसर लिखना है। मतलब अगर हम आंसर ना फाइंड कर पाए एम सी क्यू में, तो उसमें क्या लगाना है, रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है हमारे जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐड हुए थे। तो इससे क्या कह रहा है, यू कैन एक्चुअली सॉल्व एम सी क्यू। मतलब ये भी किस तरह है, एम सी क्यू टाइप में है। जो केस स्टडी बेस है वो भी एम सी क्यू तरह ही है। अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि आपको जो दिया रहेगा केस स्टडी में, पहले डायग्राम उसे देख के समझना है, देन उसके बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है? फिर तीसरा क्या कह रहा है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम हैक। मतलब जो 15 मिनट हम लोग को रीडिंग करने के लिए मिलते हैं उसमें देख क्या करना है, 30% जो इंटरनल चॉइल क्वेश्चन होते हैं ईच सेक्शन के, उससे हम लोग को अच्छे से देख लेना है। और यू गेट गुड 15 मार्क्स इन बैगिंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब हमें 15 मार्क्स पूरे नहीं देने हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने में। यूज़ दिस टाइम टू मार्क द चॉइस क्वेश्चन यू आर मोर कॉन्फिडेंट अटेम्प्टिंग। मतलब हमें वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं जो हमें कंफर्म हो कि हाँ हमें आते हैं, ठीक है? तो फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, आंसर स्ट्रक्चर हैज़ टू बी राइट। मतलब हमें जो आंसर लिखना है वो पॉइंट्स में लिखना। जैसे अगर कोई हमारा लॉन्ग आंसर है तो ये नहीं कि उसे एक पेज में पूरा लिख दिए, अगर कहना है इसे पॉइंट्स में लिखना है। जब हमारा आंसर हो जाए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता है कि हाँ सही है, उस पर क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। और जो लेंथी आंसर होंगे, जैसे आपको लगता है कि इसमें हाँ इसका डायग्राम बन सकता है, तो आप डायग्राम बना दीजिए, उससे आपको क्या होगा, प्लस पॉइंट्स उससे आपका हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटीज योर सेक्शन ऑर्डर। मतलब अगर हम कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि 4 सेक्शन होते हैं, अगर कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी सेक्शन से स्टार्ट करना है, और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरा सेक्शन नहीं करना है, ठीक है? जैसे सेक्शन ए किया और उसके जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तभी हमें सेक्शन बी पे करना है। चाहे आप सेक्शन सी से स्टार्ट करो चाहे ए से, पहले जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करिएगा। तो ये देखिए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई हैं, और मैं ये सब क्या है, इसके शॉर्ट नोट्स हैं चैप्टर्स के। तो आप कहेंगे तो इसको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, इसमें बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो ये मैं आप लोग के कहने पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू।